ठीक है विवेक का, तो वहां से रवाना हो गई है एयरपोर्ट से टीम इंडिया और अब आईटीसी मौर्या जा रही है और वहां पर हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता और अजातिका दोनों मौजूद हैं। अब उनके पास चलने का वक्त है। अंकित, आप क्या देख रहे हैं वहां पर, कैसी तैयारी है टीम इंडिया को रिसीव करने के लिए? तैयारी पूरी है, जश्न की तैयारी पूरी है और क्यों ना हो, आखिर वर्ल्ड चैंपियन बनकर के हमारे मेन इन ब्लू वापस आ रहे हैं और मौर्या शेरटन होटल के अंदर की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो खास तस्वीरें कि किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ में तैयारी की गई है कि जैसे ही टीम इंडिया के खिलाड़ी यहां पर पहुंचेंगे, वर्ल्ड विनर यहां पर पहुंचेंगे, तो ढोल नगाड़ों के साथ में उनका स्वागत किया जाएगा। और इतना ही नहीं, जब जैसे ही वो अंदर पहुंचेंगे बाकायदा एक केक तैयार किया गया है, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के शेप का वो केक है और वो काटा जाएगा। उसके बाद तमाम खिलाड़ी अपने अपने रूम्स में जाएंगे, लेकिन क्योंकि इस वक्त देश के हर एक हिस्से में, खास तौर पर दिल्ली और मुंबई की बात की जाए, यहाँ की तो तैयारियां ही अलग हैं, लेकिन हर वो क्रिकेट प्रेमी इस वक्त उत्साहित है जो इन खिलाड़ियों का इंतजार कर रहा था। हमने वो लम्हा रात में 12:30 बजे भी देखा कि किस तरह से ये खिलाड़ी भावुक हुए थे। वो आखिरी ओवर, वो आखिरी गेंद, हर वो लम्हा शायद हम लोगों के जहन में हमेशा के लिए एक बार फिर से यादगार बन गया है, जैसा हमने देखा 2007 में, 11 में, और जब अभी वर्ल्ड कप के आखिरी ओवर चल रहा था, सूर्या ने जो वो कैच लिया वो शायद हमेशा हमारी जो यादों में रहेगा। लेकिन जो तैयारियों की हम बात करें, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, उसकी वजह भी है क्योंकि जो कई फैंस हैं वो यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, हर कोई कोशिश कर रहा था कि होटल के अंदर जा सके, लेकिन अब होटल के अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं। निखिल, एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दीजिए कि किस तरीके से इस वक्त इंतजार हो रहा है हमारे विश्व विजेता खिलाड़ियों का। और ये लम्हा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जिनका पिछले 3 दिनों से इंतजार हो रहा था। इंतजार तो ये जो जानकारी तो ये मिल रही थी कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद में टीम इंडिया 24 से 36 घंटे में वापस पहुंच जाएगी, लेकिन तूफान आया, उसकी वजह से देरी जरूर हुई, लेकिन किसी के उत्साह में कोई कमी नहीं है। और विवेक, जिस बात का जिक्र अभी जीएस विवेक कर रहे थे कि एबीपी न्यूज ने भी जो फील्डिंग की हुई है, हर एक वो तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाने की, जिस तरह से जब एक मैच कवरेज होता है उस दौरान जैसे अलग अलग कैमरों से सारी, बिल्कुल अंकित आप सही कह रहे हैं, और आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए दर्शकों को बताऊं कि आपके साथ साथ वहां पर अजातिका सिंह भी मौजूद हैं, हमारी सहयोगी। अब उनके पास चलने का वक्त है और उनसे जानने का वक्त है कि वो अपनी आंखों से क्या देख रही हैं वहां पर, भारतीय टीम को कैसे वहां पर रिसीव किया जाना है, क्या खास है वहां पर, सब कुछ दिखाइए और बताइए अजातिका। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे वक्त करीब आ गया है, टीम इंडिया एयरपोर्ट से आईटीसी मौर्या के लिए रवाना हो गई है, वैसे वैसे फैंस की संख्या भी दिख रही है। मेरे साथ कुछ फैंस जुड़े हुए हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपसे, मैन इन ब्लू का इंतजार हो रहा है, आप भी भारत की पूरी यूनिफॉर्म पहनकर आए हुए हैं, क्या कुछ आपके मन में चल रहा है, कितने एक्साइटेड है? एक्चुअली काफ़ी एक्साइटेड है, इट इज़ अ ग्रेट मोमेंट आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, हमें वर्ल्ड कप मिला है आफ्टर 17 ईयर्स, T20 वर्ल्ड कप वी हैव वन, and I was planning to move to airport since night, but somehow I missed, and today morning only I decided ki abhi airport jana sahi nahi rahega, so why don't I go to the ITC bar, to yahan pe lag raha hai ki ummeed hai ki ek jhalak mil payegi, jhalak to mil sakti hai. Kya naam hai? Kartik. कार्तिक, जब हम लोग मैच देख रहे थे तो देख रहे थे कि कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स बहुत थे, बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं, कहीं ना कहीं जो पारी है कमज़ोर होती हुई दिख रही थी, लेकिन अब जब हम फाइनली इतने लंबे इंतज़ार के बाद पहुंच गए, क्या लगता है कि कितना ज़्यादा बड़ा ऐतिहासिक पल है? बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है ये तो, पूरा मतलब क्या है, जब तक मतलब वर्ल्ड कप नहीं जीते तब तक ये सेलिब्रेशन चलते रहेगी, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ जी, ये तो पूरा ऐसे ही चलता रहेगा। कितने बजे से आप यहाँ आए हुए हैं? हम अभी आए, क्या कहते हैं, 6:30 बजे। 6:30 बजे आप कितनी देर से आए हुए? मैं भी यहाँ पे हो गया, मुझे अभी आधा घंटा एटलीस्ट, और झलक पाने के लिए पूरा इंतजार कर, बिल्कुल बिल्कुल इंतजार कर। तो देखिए, मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ, जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है आप देखिए कैसी भीड़ आपको आसपास नजर आएगी, ना सिर्फ मीडिया कर्मी लेकिन तमाम फैंस, और देखिए सबसे पहले ये फैन भी मैं आपको दिखा देती हूँ, हाथ में देश का झंडा नजर आ रहा है और फैंस के मुस्कान नजर आ रही है, क्या कहें? Ma'am, we are totally speechless. We have won the World Cup after 13 years. It's been a great moment for us. We were kids back then and now we are officially. अब हम आखिरकार वर्ल्ड कप जीत गए हैं 13 साल के इंतजार के बाद, हमारे लिए बहुत बड़ा मोमेंट है, हमारे लिए इमोशनल मोमेंट है, मुझे देखकर आपको लग रहा है इमोशनल हो रहे हैं आप। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, 150 करोड़ भारतीय इंतजार कर रहे थे इस पल के लिए और आखिरी बार जीत गए हैं हम।
आजादी का बिल्कुल हाथ में छोटा सा तिरंगा है, चेहरे पर मुस्कान है और अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए शब्द ही नहीं है इस युवा के पास, समझा जा सकता है खुशी को। अब आपको बताएं कि मौर्या आईटीसी मौर्या तक पहुंचने के लिए भारतीय टीम जिस रास्ते से होकर गुजरेगी उसी रास्ते का एक पड़ाव है धौला कुआं और वहां पर मौजूद है हमारी सहयोगी रिया सिंह, आइए उनका रुख करते हैं। रिया, क्या रास्ते में भी भारतीय टीम की झलक पाने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या उनको देखने के लिए लोग सड़कों पर हैं? देखिए, ये जो काफिला अभी एयरपोर्ट से निकला है और अभी आईटीसी मौर्य तक जाएगा, ज़रूर लोगों को उसका इंतज़ार है। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है, यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिस बल तैनात नजर आएगा, क्योंकि देखिए वीआईपी रूट यहाँ पर लगाया जाएगा जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर ये रास्ता हो जाता है। तो लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर जैसे ही अलर्ट आएगा कि टीम इंडिया का जो काफिला है वो आसपास पहुँचने वाला है, ट्रैफिक भी यहाँ पर रुकवा दिया जाएगा, उसकी तैयारियाँ भी चल रही हैं। तो देखिए, वो काफिला हमारे भारतीय परिवार का वो हिस्सा जिसने हमें ये मौका दिया कि हम कह पाएं कि भारतीय टीम जो है वो विश्व विजेता है, उस मौके को और उस काफिले को देखने के लिए जरूर लोग एक्साइटेड हैं। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फैंस को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि रास्ते में फैंस को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है, रूट लगा हुआ है भारतीय टीम का और थोड़ी देर में भारतीय टीम आईटीसी मौर्य पहुंच जाएगी। एबीपी न्यूज की नजर है इस बड़ी खबर पर, भारतीय टीम पहुंच रही है, आज पहुंच चुकी है दिल्ली, आईटीसी मौर्य पहुंच रही है, रास्ते में है इस वक्त, एयरपोर्ट से होटल के रास्ते में है।